हाय एवरीवन, स्वागत है आपका टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड में। आज का जो टेक्निकल एनालिसिस ट्यूटोरियल है वो है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गेस कर कीजिए, कर सकते हो तो बहुत मज़ा आने वाला है, राइट? क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा निफ्टी का एक एनालिसिस जिसमें मैं आपको प्री लॉकडाउन और पोस्ट लॉकडाउन, राइट, जिसमें हम कंपेरिजन करेंगे। आपको इतना मज़ा आएगा, आपको रियलाइज होगा कि आप रियली यू विल बी बिलीविंग कि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। ओके, ये भी मार्केट अभी लाइव रनिंग है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा लॉकडाउन जब शुरू हुआ था उससे पहले निफ्टी के डेली चार्ट पे क्या पोजीशन थी और अभी क्या पोजीशन है। दोनों में बहुत सारी सिमिलरिटी मुझे दिखी है जो मैं शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा चार्ट पैटर्न के थ्रू कंपेयर करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम कंपेयर करेंगे उसको सेंटीमेंट इंडिकेटर के साथ, जो आपको बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि सेंटीमेंट इंडिकेटर यानी दोस्तों आपने सुना होगा कि जब सब लोग ट्रेडिंग की बात करने लगते हैं या सब लोग शेयर खरीदने लगते हैं तो वहां से मार्केट रिटर्न होता है, पर वो कोई उतना रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, पर उसको चार्ट के साथ कंबाइन कर सकते हो, राइट? अभी मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, जब यहां से गिरा था सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के थ्रू कंपेयर कर रहा, ठीक है? यहां से देखिए दोस्तों, एक हेड एंड शोल्डर बना था, बेरिश हेड एंड शोल्डर, राइट, जब लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले की बात कर रहा हूं। ओके, सिर्फ और दूसरा अभी यहां पे भी आप देख सकते हो, ठीक है? दूसरी बात, ब्रेक होने के बाद रिएक्शन चाहिए जो यहां पे मिला था, राइट, फिर यहां से उसकी जर्नी शुरू हो गई थी डाउन साइड। अभी बात आती है, अभी की बात करूं मैं पोस्ट लॉकडाउन की, ठीक है? तो मैं बताऊं कि अभी रिएक्शन सिर्फ नहीं आया है, उसी की कमी है। यानी मान लो कभी भी एक रिएक्शन आ जाता है वैसे, पर फिर ये लो ब्रेक होता है तो वो कॉपी हो जाएगा उसका, राइट, जो लॉकडाउन के पहले मार्केट गिरा, राइट। सो हेड एंड शोल्डर पैटर्न उस टाइम पे भी था और अभी भी है। ओके, सो ये हो गया फर्स्ट कंपैरिजन। अभी दूसरी कंपैरिजन मैं आपको बताना चाहूंगा विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक चार्ट। तो कैंडलस्टिक चार्ट की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों उस टाइम पे यहां पे जो टॉप बना है निफ्टी का, अभी भी सबको याद होगा 12,430.50 कैश लेवल चार्ट है डेली का। अभी मैं सेकंड कंपैरिजन हम कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न, राइट। बेरिश एंगल्फिंग कहते हैं इसे, पर मैं सिंपल वे में कहना चाहूंगा कि किसी भी ये हाई के ऊपर ओपन होना ग्रीन कैंडल के और लो के नीचे क्लोज देना, राइट। तो वो एक चीज होती है दोस्तों, मॉन्स्टर कैंडल हम उसे कहते हैं। तो यहां से टॉप पे ये चीज बनी थी और सेम चीज अभी फिलहाल रिसेंट आफ्टर लॉकडाउन हमें देखने को मिली थी 31 अगस्त को, जिसको मैंने मॉन्स्टर कैंडल का नाम दिया था, राइट। तो ये देखिए दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट है जहां पे आपको कंपैरिजन देखने को मिल रही है, राइट। सो दिस इज अबाउट द कैंडलस्टिक पैटर्न। ओके, तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मजा आ रहा है। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर दी की हो तो कर दीजिएगा, राइट। अभी थर्ड पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा जिसमें आपको बहुत मजा आने वाला है, वो ये है सेंटीमेंट इंडिकेटर, राइट। सेंटीमेंट इंडिकेटर यानी चार्ट के बाहर की मैं बात करूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जिनकी भी मैं बात कर रहा हूँ, राइट, किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, पर ऐसे लोग उस टाइम पे एंटर होते हैं जिनका मार्केट में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है और जिन्होंने सालों तक इंटरेस्ट दिया भी नहीं है, बट उनके कलीग कमा रहे हैं और उसके कारण वो लोग कहते हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन दिस मार्केट। तो वो बहुत गलत बात है, वो सभी को अप्लाई है, फिर वो टीचर हो, प्रोफेसर हो, कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई भी हो, पर उनके कलीग कर रहे हैं इसीलिए मैं करना चाहता हूँ, तो वो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। जिसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, लॉकडाउन के पहले जब यहाँ पे फॉल आया था और हमें वीकनेस दिखी नहीं थी, हमने बहुत सारे वीडियो भी बनाए थे, उसके बाद यहाँ कहीं पे मुझे एक बंदे ने पूछा था जो एक्चुअली बहुत हार्ड वर्कर बंदा था, राइट। तो एक स्टॉल था उसका जहाँ पे मैं कुछ फूड खरीदने गया था, तो उन्होंने मेरा कम्युनिकेशन सुना, राइट, मैं फोन टेलीफोनिक का मेरा जो कन्वर्जेशन सुना उन्होंने मेरे स्टूडेंट के साथ, और उनको लगा कि ये इस मार्केट का बंदा है। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या लग रहा है मार्केट, और उन्होंने कहा मैंने यस बैंक लिया है। तो अभी और एक सिमिलरिटी बता देता हूँ, उस टाइम पे यस बैंक उन्होंने लिया था, राइट। तो बात ये आती है कि उस टाइम पे वो जो हार्ड वर्कर जो थे, जो शायद कोई फूड बेचते थे, राइट, अभी वो फूड क्या था वो भी मैं बताना चाहूंगा, वड़ा पाव था, राइट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको राइट नहीं है, उनको भी राइट है ट्रेड करने का,
पर उनका एंट्री का ऑब्जेक्ट था कि मैं भी रातों रात बहुत जल्दी यस बैंक में कमा लूँ। उन्होंने मुझे कहा था बॉम्बे से आई हैव गॉट द टिप फ्रॉम बॉम्बे राइट मुंबई, तो ये यस बैंक जो है वो 40 में लिया है मैंने और ये हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मैंने बोला आप स्टडी करना चाहिए, आप बोला नहीं मुझे पक्का भरोसा है, फिर मैं बोला ठीक है चलिए राइट। तो कहने का मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जिसको मार्केट का कोई नॉलेज नहीं है और ऐसे स्टॉक ले लेता है और फिर आपको पता है उसमें उनके पैसे डूब गए, बहुत दुख होता है, इसीलिए मैंने उनको कहा था। पर ठीक है अभी तो कहने का मतलब ये था कि ये जो क्रैश हुआ था ये सब बन गया था, उसके बाद यहाँ कहीं पे मैं उनको मिला था और सेम वे यहाँ पे भी इसी एरिया में जब मैं वहाँ पे मिला था किसी को, यहाँ पे एक और बंदे को मैं मिला, एक्चुअली उनका फ़ोन सामने से आया था इस बार तो कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ओपन एन अकाउंट राइट। एक्चुअली मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, लेकिन मेरे जो हेयर ड्रेसर है राइट उनका फ़ोन आया था मुझ पर, मैंने उनको कहा, एक्चुअली उनको मैंने सेव कर लिया है, बचा लिया है, बिकॉज ही ऑल्सो वॉन्टेड टू बाई यस बैंक राइट। सेम अभी आप सोचो कितनी सिमिलरिटी आपको यहाँ पे मिलती है। ओके एक तो हेड एंड शोल्डर तो वो भी है, यहाँ पे एक बैरी सेंगल फिन तो वो भी है, यहाँ पे एक जो हार्ड वर्कर बंदा जो फूड बेचता है वो था और यहाँ पे हेड रिसर है, यहाँ पे वो भी यस बैंक था, यहाँ पे ये भी यस बैंक है राइट। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो सेंटीमेंट इंडिकेटर भी बहुत सॉलिड चीज़ होती है, हाँ पर उसके थ्रू हम शॉर्ट या वो नहीं कर सकते हैं राइट। तो इतनी सारी चीज़ें मुझे वहाँ पे मिली थी राइट। वन मोर थिंग जो सिमिलर मुझे लग रही है, रिलायंस उस टाइम पे सबसे पहले वीक हुआ था राइट, अब तो बहुत ऊपर है, पर ये एरिया में आप देख सकते हो कि रिलायंस, आप ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले वीक रिलायंस भी हो गया था राइट। और अभी वही सेम चीज़ रिलायंस में, अभी थोड़ी देर है, अभी करंट अगर मैं बात करूँ अभी 7 से 8 मिनट की देर है मार्केट क्लोज होने में, तो मैं बताना चाहूँगा कि आज अब देखो तो यहाँ से रिलायंस ने एक ट्रेंडलाइन ब्रेक की हुई है राइट। अगर रिलायंस ने सपोर्ट कर दिया तो फिर प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों सेम हो जाएगा, ऐसा अभी एज पर द चार्ट सब दिख रहा है। यहाँ पे क्लोज नीचे देना और आज अभी रिएक्शन दे रहा है राइट, अभी 7 मिनट्स है, पर ये जो कल का क्लोज है वो 2211 है और आज का जो क्लोज है वो 2228 आएगा राइट। अभी तो फिलहाल रनिंग मार्केट है, दिस इज द रनिंग प्राइस, लाइव प्राइस है ठीक है, देखते हैं अभी थोड़ी देर के बाद क्या होता है। अगर इसके ऊपर क्लोज देता है 2211.15 तो इसे हम रिएक्शन कंसीडर करेंगे और कल के लिए ये लो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रिलायंस के लिए 2201.55 राइट फ्रेंड्स। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ती है, इसीलिए कहा गया है कि हिस्ट्री रिपीट इट्सेल्फ राइट। सो पोस्ट कोविड और प्री कोविड आप देख सकते हो कि कैसी कितनी सारी सिमिलैरिटी यहाँ पे मिल रही है। पर अगर मैं और एक चीज़ आसान करना चाहूँगा, अगर हम उसके बदले इतनी सारी चीज़ देखने के बदले अगर सिर्फ चार्ट देखते हैं तो कोई चीज़ देखने की ज़रूरत है भी नहीं ओके। और वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे भी एक निफ्टी का बहुत बड़ा टारगेट आया था सिमिलैरिटी में, और एक ऐड करना चाहूँगा राइट। यहाँ पे मैं वो कंपनी का नाम नहीं बोलूँगा और बोल भी नहीं सकता हूँ, मैंने मुझे कोई राइट नहीं है, क्योंकि ठीक है अगर होता है कभी स्टॉप लॉस राइट, पर वहाँ पे दिक्कत ये थी कि बड़े टारगेट आते हैं विदाउट स्टॉप लॉस के, वो अच्छे नहीं लगते हैं राइट। जब भी कोई भी टारगेट आते हैं तो कोई भी एडवाइस होती है तो इट शुड बी विद द सर्टेन स्टॉप लॉस। तो ये लेवल पे निफ्टी का टारगेट बहुत बड़े आए थे 16,000 के आसपास, इस बार यहाँ कहीं पे 14,000 के आसपास टारगेट आ चुके हैं राइट, 14,000-15,000 ओके। तो ये सारी सब चीज़ें पता नहीं वहाँ पे कहाँ से इकट्ठा हो जाती है ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि कुछ नया नहीं होता है राइट, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, ये भी नाम मैं इसको ये वीडियो को वापस दे सकता हूँ राइट। पर ये मुझे सबसे अच्छा टाइटल ये लगा, पोस्ट कोविड और प्री कोविड राइट। तो ये वीडियो मजे लीजिए इस वीडियो का और दूसरों को भी शेयर कीजिए दोस्तों। आशा करता हूँ कि डेफिनेटली आपने तो ले ही लिया है मज़ा इस वीडियो का, पर आपकी जो ट्रेडिंग कम्युनिटी है उसमें भी ज़रूर शेयर कीजिएगा राइट। तो यहाँ पे निफ्टी में डेली चार्ट पे आई एम वेटिंग फॉर वन रिएक्शन, वो आ जाता है तो ये हेड एंड शोल्डर में मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर हेड एंड शोल्डर ब्रेक होने के बाद वो कन्फर्मेशन के लिए यहाँ पर नेक लाइन को टच करने जाता है ठीक है। तो देखते हैं, बाकी बैंक निफ्टी के बारे में तो आपको मैंने बहुत पहले से बता ही दिया था, डार्क क्लाउड कवर के बारे में राइट। बहुत दुख तब होता है दोस्तों जब बहुत कम लोग देखते हैं, मिलते हैं, पूछते भी हैं कि आपने बैंक निफ्टी का क्या लग रहा है, तो मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी ऑलरेडी दोस्तों मैंने वीडियो अपलोड किया था तो उन्होंने उनको शेयर भी किया होता है पर देखा नहीं होता है, तब बहुत पेन होता है, पर ठीक है, पर उनके लिए ही अच्छा था दोस्तों, पर ठीक है इट्स ओके। यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर ऑलरेडी है, यहाँ से जनरेट है सेल, ये हाई का स्टॉप लॉस है और स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाना है।
ये दोस्तों, काज इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।